तो ये है आईकू नियो 7 प्रो, जिसके अंदर फाइनली 90 FPS की गेमिंग अनलॉक कर दी है नई अपडेट की वजह से, यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाया। तो यहाँ पर आज इस फोन के अंदर फाइनली टेस्ट करने वाले हैं कि ये जो अंडर 35,000 का फोन है 90 FPS की कितनी ज्यादा अच्छी गेमिंग टेबल तरीके से करवा सकता है या नहीं करवा सकता है। इसका बहुत बड़ा भाई आता है आईकू के अंदर, आईकू 11, उसका हम लोग टेस्ट कर चुके हैं 90 FPS। इवन इसके नीचे आईकू 90 आता है, उसका भी टेस्ट कर चुका हूं, जिसमें आईकू 90 बहुत एकदम मस्त मक्खन परफॉर्म करा है स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 के साथ में, और इसके अंदर भी वही प्रोसेसर है। तो चलो आज आप लोगों के सारे डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, वो भी FPS के साथ में, कितनी अच्छी है गेमिंग ये भाई साहब करवा देते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 90 FPS गेमिंग जब करोगे तो ये फोन के अंदर बैटरी कितनी ड्रॉप होगी। तो सबसे पहले टेम्परेचर देखोगे ना फोन का, समवेयर 34-36 डिग्री के आसपास है, और फोन के अंदर अभी जो बैटरी है वो 99% पर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चालू कर देते हैं अपना TDM का गेम प्ले, और TDM पर आप लोग गेम प्ले देखते रहना, FPS आपको ऊपर ही देखने मिल जाएंगे, कितने ज्यादा स्टेबल है नहीं है वो आपको साथ में पता चलता ही रहेगा। तो यहाँ पर जब हम लोग FPS ऐसे देखते रहे थे ना, मतलब जितना मैंने खेला, मेरे टीममेट ने खेला, उसके बाद में गेम प्ले हम लोग ऐसा नोटिस कर रहे थे, तो जितना डेटा के अंदर हम लोग को ये चीज समझी कि TDM के अंदर स्टार्ट में अच्छे से 85-90 के अंदर FPS रखता है, बट उसके थोड़ी देर बाद में कभी कभी हल्का डिप भी देखने मिलता है, 68 तक भी वो ड्रॉप होता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम अच्छी तरीके से स्टेबल FPS गेमिंग करवा देता है TDM के अंदर। बट ये जो 68 का डिप भी हुआ ना, लेकिन वो एकदम इंस्टेंटली एकदम FPS बूस्ट भी कर लेता है अच्छी तरीके से। और इस पे 90 FPS गेमिंग करने के लिए ना, सबसे पहले आप लोगों को मॉन्स्टर मोड तो ऑन करना ही करना है, बट अगर आप डिस्प्ले के अंदर जाओगे, वहां पर आपको जो डिस्प्ले सेटिंग के अंदर रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज कांस्टेंट करना पड़ेगा, उसके बाद में नीचे एप्लीकेशन सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि जहां पर आप कांस्टेंट 120 FPS चाहते हो, तो वो सिलेक्ट करने के बाद में तभी आपको नेचुरल प्रॉपर तरीके से 90 FPS मिलेंगे। अगर ये सेटिंग अप्लाई नहीं करोगे तब आपको सिर्फ नॉर्मली 60 FPS का ही गेम प्ले करने मिलेगा, तो ये सेटिंग पहले अप्लाई जरूर कर लेना।
तो अभी तक हम लोगों को 30 मिनट्स हो चुके हैं खेलते खेलते, फोन का टेम्परेचर समवेयर 36-37 डिग्री के आसपास निकल कर आ रहा है। उसी के बाद में जो बैटरी है वो 93% पर आ चुकी है और अभी यहाँ पर हमारा चालू हो चुका है मौसम में इरांगल वगैरह भी चालू हो चुका है। तो आप लोग देखो FPS देखते रहो और आपको ऐसे पता चलता रहेगा कि FPS कितने ऊपर नीचे हो रहे हैं, स्टेबल है कि नहीं है। और अगर आप लोग आईफोन 15 प्रो का भी एक ना कॉमेंट आ रहा था कि उसका 90 FPS गेमिंग करके बताओ, आईफोन 15 प्रो मैक्स का तो मैं कर चुका हूँ, वहां पर 90 FPS का कैसा हालचाल है वो सब उस वीडियो में बता चुका हूँ। पर जो आईफोन 15 प्रो है ना, भले उसके अंदर A17 प्रो की चिप है बट वहां पर 90 FPS अभी तक अनलॉक नहीं हुए, उसमें अभी भी स्टिल हमको 60 FPS का ही गेम प्ले करने मिल रहा है, तो वो तो बाद में चेकआउट करेंगे। बाकी अगर आपको किसी और फोन जैसे कि आईकू 90 की गेम प्ले देखने है तो FPS के साथ में 90 कितना ज्यादा स्टेबल है, आईकू 11 का कितना ज्यादा स्टेबल है, तो इस वीडियो तो बना चुका हूँ। बाकी ऐसे कोई और वीडियो चाहिए तो यहाँ पर आप कॉमेंट कर देना इस वीडियो पे और साथ में 6000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना ताकि वो टॉपिक के ऊपर मैं आपको वीडियो एकदम मस्त में जल्दी दे सकूं। तो अभी यहाँ पर देखो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूँ ना 90 FPS की गेमिंग को लेकर, तो सबसे पहले यहाँ पर एक घंटे की गेमिंग के बाद में इस फोन पे जो टेम्परेचर है वो 36-37 डिग्री पर आ गए और उसके बाद में जो बैटरी आ गई ना वो सीधा 83% थी, मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट हम लोगों को 16% तक का ड्रॉप देखने मिल गया इजिली। अभी यहाँ पर इसका 90 FPS इतना है कि आप लोगों को बीच में माइनर हल्के फुल्के ड्रॉप मिलेंगे, लेकिन आपको ये फोन ऑलमोस्ट ना 80-85 वाली आराम से गेमिंग इजिली करवा देगा, इवन उससे बेटर भी करवा सकता है। और ये जो टेस्टिंग मैं कर रहा था ना इसके अंदर ना ही कोई ही AC यूज किया गया, ओनली फैन मोड, मतलब जो घर के अंदर नॉर्मल पंखे होते हैं वही फैन मोड पर वहां पर पूरी टेस्टिंग हुई है। तो डेफिनेटली 90 FPS पे तो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा था, प्रॉपर कांस्टेंट 90 FPS तो नहीं है क्योंकि स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 ऐसा कांस्टेंट 90 के लिए नहीं बना है, वहां पर आपको एक बेटर 8 Gen 2 है जो इतनी 90 FPS की कांस्टेंट गेमिंग करवा सकता है। बाकी आप लोगों के थॉट्स थे क्या है वो आप लोग मुझे शेयर करना कमेंट के अंदर, नेक्स्ट कौन सा वीडियो होगा वो भी कमेंट कर देना, जल्दी से उसकी वीडियो आ जाएगी। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देना और कोई नेक्स्ट टॉपिक भी बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, अभी के लिए टेक केयर, बाय।